जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। साधको, मैं गोरखनाथ अघोरी आपके लिए वह साधना लाया हूँ जिसकी इच्छा हर किसी को है, कि हर किसी को ये इस साधना की बड़ी इच्छा है कि हम करें, पर उनको सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, वो सही जानकारी नहीं है उन मिल पा रही, तो वो इस साधना को नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने प्रयास भी किया है पर कुछ नहीं हुआ है, तो एक बार मेरे कहने पर आप इस साधना इस मेरी मेरे कहने पर मेरी दी हुई जानकारी से आप साधना करें, आपको 101% लाभ होगा, आप इसे सिद्ध करेंगे, ये मेरा वादा है। परी साधना है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह परी साधना बहुत ही शांत स्वभाव की साधना है, ये बहुत ही शांत रहती है, और ये बहुत अगर इसको अच्छे मन से, पवित्र मन से, इसको अगर दिल से कोई करे, अगर इसे चाहे तो इसे सिद्ध कर सकता है। बस सिद्ध करने के लिए सही तरीका होना चाहिए, सही मंत्र होना चाहिए, सही सटीक जानकारी हो तो ही व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है। लोगों को इसकी बहुत ही गलत जानकारियाँ मिल रही हैं, इसलिए वह सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मैं आपको सही सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, और जो कोई भी इस जानकारी को फ़ोन से पूछना चाहे तो वो फ़ोन से पूछ सकता है, ठीक है। कोई पैसा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, आप इस चीज़ को मेरे से फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ परी साधना किस तरीके से करते हैं। परी साधना गुरुवार के दिन रात्रि या सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, या तो आप रात्रि कर सकते हैं या सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। साधना करने का टाइम जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगता, आप इस साधना को मेरी दी हुई जानकारी से 2 घंटे में सिद्ध कर सकते हैं, अगर आप सच्चे मन से दिल से करोगे तो। साधना करने के लिए आपको एक खाली कमरा लेना है, खाली कमरे में आसन लगाना है, सफ़ेद कपड़ा आपको ज़मीन पर बिछाना है, खुद भी सफ़ेद कपड़ा पहन लेना है। सफ़ेद कपड़ा पहनकर, सफ़ेद कपड़ा बिछाकर, उस सफ़ेद कपड़े बिछाया जो है आपने, उस पर सिंदूर से गोला घेरा लगा लें, और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी आप एक गोल घेरा लगा लें, और सिंदूर के बीच में आपको 8 इलायची, 8 लौंग और 8 बतासे रखने हैं, और एक सेंट की शीशी या इत्र की शीशी रखनी है, या इत्र में आप हिना इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है, परी को बहुत ही पसंद आता है। सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कराना है आपको परी को, तो आप सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ या दो तरह की या 4 तरह की मिठाई या 6 तरह की मिठाई आप वहाँ रख लें परी के लिए, जब वो परी आएगी तो उसको आप भोग लगाएंगे, और एक गोबर के कंडे को लगा कर उस पर, गोबर के कंडे पर आप ध्वनि लोबान की ध्वनि जो होती है लोबान डाल दें गोबर के सिलगे हुए कंडे पर, तो उसकी के धुएँ से परी बहुत खुश होती है, परी के लिए जब परी आती है तो उसको देख देख कर बहुत खुश होती है, तो लोबान की ध्वनि कर दें, ये साधना में बहुत ज़रूरी होती है। और एक काले हकीकी माला या सफ़ेद माला आपको लेनी है, ध्यान रखना नकली माला नहीं लेके आना ही है, आपको ओरिजिनल माला लेकर आनी है, असली माला जो कि काले हकीकी ही माला हो, ये ध्यान रखना। आपको लोग जो आप जहाँ से लेंगे वो आपको पागल भी बना सकते हैं कि ये असली माला है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप असली माला लेकर आए हैं या नकली माला लेकर आए हैं। आप साधना तो करते हैं पर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, जब इस चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे अन्यथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कहीं आप माला मतलब नकली माला ले आए, भाई ओरिजिनल माला से आपको काम करना है। करने का तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ, माला आपको किस तरह करनी है। माला आपको जैसे कि जो आपका जो माले का माला का जो छोर होता है वहाँ से माला को स्टार्ट करना है, और माला का जो माला घूम कर आएगी तो वहाँ से आपको उल्टी ही माला रिटर्न करनी है, माला को उल्टा ही लेना है, आगे नहीं घुमाना है कि आप घुमाते रहें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको 41 माला करनी है जो मैं मंत्र बताऊँगा उस मंत्र का। जब आप साधना के लिए साधना जिस दिन आप साधना करेंगे गुरुवार को, उस दिन शाम को रात्रि 7 बजे आपको खीर के भोग से, उस दिन आपको मतलब उपवास रखना है, और 7 बजे आपको उसको उपवास को तोड़ना है, खीर खा के आपको खीर खानी है उस दिन, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उपवास को खीर खा के तोड़ना है। मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, मंत्र सुनें आप ध्यान से।
मंत्र ही सबसे पावरफुल चीज़ होती है परी को बुलाने, परी को सिद्ध करने का। यही एक रामबाण होता है। ये है मंत्र, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाही या सुलेमान बाहक रहे मते अलेमीन साही साह परी हाजर सो हाजर। एक बार और सुन लें। बिस्मिल्लाही या सुलेमान बाहक रहे मते अलेमीन साह परी हाजर सो हाजर। ये मंत्र आपको 21 माला का जाप करते हुए करना है, या 21 माला जाप करते हुए करना है आपको, 21 या 41 माला में ही आपका काम हो जाएगा इस मंत्र के द्वारा। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे एक बार जानकारी ले लें। जानकारी का देने का कोई पैसा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लेता मैं। आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, बिना जानकारी के आप इस साधना को ना करें। आप मुझसे एक बार जानकारी ले लें। जय श्री महाकाल। यह जो मंत्र है, ये जो साधना है, ये इस्लामी साधना है, इसलिए इसका जो मंत्र है इस्लामी मंत्र है। और आप YouTube पर जो वीडियो डालते हैं, बहुत से लोग उस लोगों से सावधान रहें जो पैसे डलवा लेते हैं, काम कुछ करके नहीं देते, उनसे सावधान न रहें। जय श्री महाकाल।